इंडिया कांग्रेस के प्रवक्ता आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी आज अंतिम नवरात्र के दिन हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी पहुंचे। जनता के दरबार में जाने से पहले मनीष तिवारी ने मां का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीष तिवारी ने मोदी की सरकार पर जमकर प्रहार किया और कहा कि इस बार पूरे देश में साइलेंट हवा चल रही है और वह पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। जिन 91 सीटों पर चुनाव हुआ है उन सब में कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़त मिलेगी। मोदी की सरकार सूट बूट वालों की, कोट पैंट वालों की सरकार है तथा व्यापारियों की सरकार है। इसमें गरीब किसान के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। मात्र जुमलेबाजी की सरकार रही है मोदी सरकार और इस प्रकार इनके प्रति लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। और इस मौके पर उनके साथ पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष के पी राणा भी मौजूद थे। देखना के किरण है इस मुल्क दे विच एक अहिजी साइलेंट हवा चलन वाली है जिहड़ा पहले फेज का इलेक्शन होया पहले चरण का जिहदे च 91 सीटा च वोटा पईया ने बड़ा भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी नूं होया है। और जिहड़े कांग्रेस पार्टी है और जिहड़ियां बाकी क्षेत्रीय पार्टियां ने उन्हां नूं इस पहले चरण च बहुत वड्डा फायदा होया। इलेक्शन से डिक्लेयर होने से पहले जो बड़ी चर्चा थी महागठबंधन की, वो महागठबंधन क्यों नहीं हो पाया जी? देखो ऐसा है कि महागठबंधन एक बहुत बड़ा मिथ्या सी। जिहड़ा राजनीति का सच है वो ये है कि स्टेट वाइज अलायंसिस हुई ने और असी जिथे जिथे जरूरी समझिया उथे उथे अलायंस की है। अजे भी कुछ सूबे जिथे वोटा 12 मई नू पैनिया ने या उस तो बाद पैनिया ने अजे भी गलबात चल रही है। और तुसी देखना कि जब तक हर चरण का लोकसभा चोन संपन्न होगी इस मुल्क दे विच जेड़ी एंटी बीजेपी फोर्सेस ने वो तुहानू सारियां एकजुट पाओ। कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी? देखो कांग्रेस की नैया तो जो इन्हां दे पिछले 5 साल की 5 वर्षां की कारगुजारी रही है उन्हें पार करवानी हैगी है क्योंकि ये रेफरेंडम है इन्हां दी पिछले 5 साल के कुशासन का। और जिथे तक नारिया का सवाल है ये कोई दो राय नहीं है कि पिछले 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडे सूट बूट आले ने जेडे सरमाएदार ने जेडे धन पशु ने पूंजीपति ने उन्हां दी मदद की है। और जेडे आम लोग ने किसान है मेहनतकश मजदूर है लैंडलेस लेबर है उन्होंने पछाड़े। बिलासपुर से रिसु प्रभाकर की रिपोर्ट।